अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब जो भी है सब आपके सामने है। अब आप फैसला लीजिए, क्या आप हमें अपने गोत्र में शामिल करना चाहती हैं या नहीं? पंडित जी, कन्यादान की विधि शुरू कीजिए। थैंक यू रानी मां। बहुत भाग्यशाली हो जो इसके जैसी जीवन संगिनी मिली है। जो परायों को अपना बनाने में माहिर है, जैसे हमें तुम्हारे संस्कारों पे गर्व है, वैसे ही अपनी संस्कारी बहू पे भी गर्व है। चलो कन्यादान की रस्में पूरी करो। नंदिनी, अनमोल को मंडप में लेकर जाओ। जी रानी मां। चलिए भाभी। आइए जिया जी। माफ कीजिएगा, आपसे इतने सारे सवाल किए। आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप घर की बड़ी हैं, सवाल करना बड़ों का अधिकार होता है। रानी माँ, आपने खुशियां बचा ली इस परिवार की और हमारे बच्चे की भी। सुनहरी, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हमारा भी लाडला है, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। अब कन्या का हाथ इनके हाथ में रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनमोल को स्वीकार किया। गलती हमारी भी है, हमें आपको अनमोल के बारे में बताना था। सच ये है कि बचपन में हमने कभी अनमोल को पसंद ही नहीं किया, पर हमारे बेटे उस पर जान देते हैं। पता ही नहीं चला कि कब अनमोल ने हमें अपना बना लिया। हम नहीं जानते कि इतनी छोटी बच्ची को उसके माँ बाप काहे छोड़कर चले गए। अनमोल हमारे पति को मंदिर में परी हुई मिली और उसके साथ मिला था ये लॉकेट था।
यहाँ कन्यादान की रस्म पूरी हुई, अब आप अपनी पत्नी को वचन दीजिए कि सदैव उसका ध्यान रखेंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। अनमोल, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही क्यों, हम भी आपको वचन देते हैं कि हम आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। लेकिन अनमोल, वचन तो मुझे देना है, तुम क्यों दे रही हो? चाची, जब हमारा सब कुछ आधा आधा बटा हुआ है तो फिर ये वचन आप अकेले क्यों लेंगे? हम भी आपको वचन देते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अब हमारी बिटिया आपकी अमानत है, ये लॉकेट हम आपको सौंपते हैं। लीजिए। लीजिए। सुनहरी जल्दी करो, कोई देख लेगा, लॉकेट निकाल लो। रानी माँ, नहीं निकल रहा। रानी माँ, इसकी माँ की आखिरी निशानी है, रहने देते हैं ना। जल्दी आओ। अरे सुनिए, अरे कहाँ जा रही हैं आप? आप सबको बहुत बहुत बधाई, आज से आपकी बहन चौहान परिवार की हुई। फाइनली हम एक दूसरे के हो गए।
तो कुछ तो है ना? बहुत। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अनमोल, अब बिगड़े नवाब तेरे हुए, इसलिए आज से तेरी जिम्मेदारी है इन्हें सुधारने की। अच्छा, बिगड़ा हुआ केवल मैं अनमोल के लिए हूँ, बाकी सबके लिए। अब जीजा जी, अब बिगड़े हो या सुधरे, मेरे अनमोल को तो पसंद हो ना, तो बस बात खत्म। हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सुनहरी। जिस गंदे खून को सालों पहले हम अपने परिवार से दूर कर चुके थे, वो आज फिर से हमारे परिवार में शामिल हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रानी माँ आपकी तबीयत खराब हो रही है, आइए आप हमारे साथ आइए। भैया भाभी थक गई होंगी, अब आप सब कमरे में चलिए। होते हुए रजत और अनमोल की सुहागरात कभी नहीं होगी। काफी शर्मा रही है आप। वैसे भाभी, आप सिर्फ बातें करते मत रहना, ओके? नंदिनी चुप रहो, कुछ भी बोलती है। शर्मा तो रही है आप। नंदिनी तुम भी ना। भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम दोनों, पर तुम्हारी हर खुशी को आग मैं ही लगाऊंगी। नंदिनी पीछे चलो। नहीं रुको, ये हाथ कैसे लग गई? पकड़ो,
अजय तुम खिड़कियां खोलो। रजत, ये तुम्हारे कमरे में आग कैसे लगी? पता नहीं माँ, ये आग कैसे लगी, पर अच्छी बात ये है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। ये कमरा तो पूरा जल गया है। रुक जाओ, रानी माँ। वो मैं अंदर कुछ भूल गई थी, इसीलिए अंदर आई थी। तुम कुछ नहीं भूली, लेकिन हमें सब कुछ याद आ गया है। ये हमारा पुश्तैनी हाथ जो हमारी सास ने हमें हमारी शादी पे दिया था। अनमोल को मिलके ऐसा लगा जैसे उससे ज्यादा संस्कारी बहू हमारे परिवार के लिए हो ही नहीं सकती। इसकी असल हकदार वही है। रानी माँ, ये तो वही हार है ना जो चौहान परिवार की बहू को देने वाली थी। हाँ, ये खानदानी हार चौहान परिवार की बहू को ही मिलेगा। ये बता, अगर हम तुम्हें अपने परिवार की बहू के रूप में अपना लें तो क्या कर सकती हो हमारे लिए? रानी माँ, मैं आपके लिए जान तक दे सकती हूँ। जान ले सकती हो? रानी माँ, आपके लिए खुशी खुशी। जाओ अपना सामान लेकर आओ।